न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के महामुकाबले में आया विराट कोहली की बल्लेबाजी का तूफान। कोहली ने रचा इतिहास, छक्के चौकों से जड़ी अपनी पारी को सजा कर तोड़े रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल के महामुकाबले में विराट कोहली ने काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कोहली ने वो कौन से बड़े रिकॉर्ड तोड़े, कौन सा बड़ा कारनामा इस सेमीफाइनल के महामुकाबले में किया। विराट कोहली की पूरी बल्लेबाजी का वीडियो जानने के लिए इसे एंड तक जरूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का पहला महामुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर कोहली ने एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर्स बन चुके हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। आज के इस सेमीफाइनल महामुकाबले की बात करें तो कोहली ने काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का पहला महामुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहाँ पर टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 36 ओवर तक टीम का स्कोर काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। विराट कोहली सरेश अय्यर के बीच शानदार शतक की पार्टनरशिप भी देखने को मिली। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंचाया, जहां पर कोहली एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर ने 2003 वर्ल्ड कप में 373 रन बनाए थे, जहीं पर विराट कोहली ने इसी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और मजबूत स्थिति में अपने स्कोर को पहुंचाया। गिल जहां पर 65 बॉलों पर 79 रनों की पारी खेलकर रिटायर्ड हट हो गए थे, उनके पैर में क्रैम्प आया। गिल इस वर्ल्ड कप में चौथी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर चुके। उन्होंने यहाँ पर वनडे कैरियर का 6ठा अर्धशतक भी जमाया। कप्तान रोहित शर्मा जहाँ पर 29 बॉलों पर 47 रन बनाकर आउट हुए थे, उन्हें यहाँ पर टीम सऊदी ने के एन विलियमसन के हाथों से कैच आउट कराया। टीम सऊदी ने रोहित शर्मा को वनडे पावर प्ले में 5वीं बार आउट किया। तो वहीं पर विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 50+ रन बनाने के मामले में श्रीलंकाई बैटर कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया। संगकारा ने 216 बार यहाँ पर 50+ रन बनाए थे, जबकि विराट कोहली ने 270वीं बार ये कारनामा कर चुके हैं। विराट कोहली अब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रिकी पोंटिंग के भी 217 बार के बराबर पहुंच चुके हैं। तो इसके साथ ही सचिन तेंदुलकर इस मामले में टॉप पर है, उन्होंने यहां पर 264। इसके साथ ही वर्ल्ड कप में एक एडिशन में सबसे ज़्यादा बार 50+ रन बनाने के मामले में भी विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया, जबकि विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में एक सीजन में 600+ से ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज में अब तीसरे नंबर पर मौजूद है। तो इससे पहले सचिन तेंदुलकर 2003 में, तो रोहित शर्मा ने 2019 में ऐसा किया था। इसके बाद यहां पर एक बार फिर विराट कोहली ने इस मुकाबले में दमदार परफॉर्मेंस किया और ताबड़तोड़ छक्कों और चौकों से जड़ी इस दमदार पारी की बदौलत भारतीय टीम के स्कोर को भी काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंचाया। तो यहीं पर 38वें ओवर तक टीम का स्कोर जो कि 275 रनों के पार ले गए थे और विराट कोहली ने ऐतिहासिक परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में अपना शतक भी जमा दिया। तो दोस्तों, क्या लगता है, क्या विराट कोहली इस मुकाबले में इसी तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते रहे तो भारतीय टीम का स्कोर 400+ रनों के स्कोर के पार पहुंच पाएगा? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।